टिकट 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 दिखाओ भाई। अब क्या करे, कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा। ये लो मैडम जी टिकट, पेशाब करते समय बाथरूम में गिर के भींग गया था, ध्यान से पकड़ना। ठीक है पता नहीं कैसे कैसे लोग चले आते हैं। टिकट 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 दिखाना भैया। ये लो मैडम जी टिकट। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? जिसको दिखाने से ट्रेन चल पड़ती है और जिसको दिखाने से ट्रेन रुक जाती है, वही मेरा नाम है। इसका मतलब? इसका मतलब मैडम हरी और लाल, हरी लाल। टिकट 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 दिखाना भाई। मैडम टिकट नहीं है, अगले स्टेशन उतर जाऊंगा। चल चल फाइन भर, वरना अगले स्टेशन तुम्हारे ससुराल भी है, जम के स्वागत होगा। टिकट 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 चल भाई टिकट दिखाना। टिकट नहीं है मैडम। तो टिकट बनवा लो, कहाँ से कहाँ तक बनाऊं? मेरे घर से अपने घर तक। सुन सुन इधर आ, इधर आ। क्या बोला क्या बोला क्या बोला? टिकट 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 चल भाई टिकट दिखाओ। टिकट तो नहीं है मैडम। अच्छा बड़ा प्यार से कर, टिकट तो नहीं है मैडम। चल चल बेटा अब तू फाइन निकाल, वरना देख रहे हो ना ये पार्सल जा रहा है, तुझे भी पार्सल कर दूंगी। टिकट 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 दिखाना भाई। टिकट तो नहीं है मैडम मेरे पास। अब तो मैं फाइन मारूंगी। मैडम फाइन मारोगी तो आपको मेरे घर तक चलना पड़ेगा। अबे वो किस लिए? पैसे तो घर पे ही है ना, मेरे पास तो नहीं है। टिकट 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 अबे भी खाली, तू भी अपना टिकट दिखा। मैडम आप भी मुझे फीक दोगी तभी तो मैं टिकट ले पाऊंगा। अबे तू मुझे ही ठगने में लगे हो, चल आ जा आ जा, जा फाइन निकाल, चल चल चल। पप्पू बेटा खड़े हो जाओ। जी सर बोलो। तुम्हारे घर पे सबसे छोटा कौन है? जी मेरे पापा। अच्छा पर वो कैसे? क्योंकि वो अभी तक मम्मी के साथ ही सोते हैं। रे हिंदुस्तानी रुक, एगो शायरी सुना। दूध मांगोगे तो खीर देंगे, दूध मांगोगे तो चुप प्रण कान है। कोनो ने कहा सुना? सरसों मांगोगे तो तेल देंगे, सरसों मांगोगे तो तेल देंगे, कश्मीर मांगोगे तो पेल देंगे। हेलो। हाँ माँ कैसे हो? मैं ठीक हूँ बेटा, और दामाद जी कैसे हैं? ये भी ठीक है। अच्छा दियो बेटा दामाद जी को। हाँ एक सेकेंड। हाँ माँ दे दिया। मम्मी मेरे को मैडम ने मारा। इतनी फीस दे के तेरे को स्कूल पिटने के लिए भेजते हैं क्या? चल आज स्कूल हिला डालूंगी, बता क्यों मारा। वो मैडम ने पूछा सबसे खतरनाक जानवर का नाम, तो मैंने आपका नाम बता दिया। सुनो जी आज मेरा मन कर रहा है ना कि कोई डरावनी फिल्म देखूं। अरे मेरी जान तो टेंशन क्यों लेती है, मैं अभी डीवीडी लेकर आता हूँ किसी फिल्म की। कौन सी फिल्म की लाओगे? अपनी शादी की, उससे डरावना क्या होगा, आज भी देखता हूँ तो फटके चार हो जाती है मेरी। अरे भाई साहब आजकल आपकी सब्जी इतना पतली पतली क्यों लग रही है? अरे मैडम जी आपको नहीं पता हमारी सारी सब्जियाँ डाइटिंग पर है। क्या बेबी? हाँ आप मेरे लिए क्या कर सकते हो? आपके लिए तो मैं जान भी दे सकती हूँ। अरे बेबी जान देने की जरूरत नहीं है, बस एक बार अपने नरम नरम हाथों से मुझे खैनी बनाकर खिला दूंगी। डॉक्टर गिरी का अस्पताल। अरे ओ डॉक्टर साहब हमारे पति का ऑपरेशन कैसे किया रे तूने? मैंने तो तुम्हारे पास उसका कान निकाल लाई थी पर तूने तो उसको अंधा ही कर दिया। मैंने मेरे सारे रिश्तेदारों को बुला के लावे सो। अरे रे जब मरीज को खून देना हो तब उसका कोई रिश्तेदार नजर नहीं आता, लेकिन जब ऑपरेशन में कुछ गलती हो जाए ना
तो पता नहीं यार 200-250 रिश्तेदार कहाँ से आ जाते हैं। अबे एक बात बता, तू कैसे लड़की से शादी करेगा? अरे यार मैं तो उस लड़की से शादी करूंगा जो बढ़िया खाना बनाती हो, घर को साफ सुथरा रखती हो और उसको सादगी पसंद हो। मेरे घर आना, मेरी नौकरानी में ये सारे गुण हैं। क्या सुनो जी। अबे क्या है? आपको ना नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। अबे कहाँ से मिलेगी साड़ी, जब तूने पहले वहाँ बुकिंग करवा रखी है तो। सुनो जी। हाँ जी बोलो, क्या बात है? आपको पता है मेरा भाई हर काम ना पंडित से मुहूर्त निकलवा के करवाता है। हर काम पंडित से मुहूर्त निकलवा के करवाता है? हाँ हर काम। साड़ी तेरे मुंह पे चपेड़ मारूंगा, साड़ी हगने जाता है उसका भी मुहूर्त निकलवाता है क्या? साड़ी झूठी मुंह फोड़ दूंगा। लाइट कैमरा एक्शन। अबे डायलॉग बोल, डायलॉग बोल। अरे उठ गए? आज तो सपने में पड़ोसन आई थी, मजा ही आ गया। अकेली आई होगी? हाँ तुम्हें कैसे पता? क्योंकि उसका पति मेरे सपने में जो आया था। जानू अगर कोई लड़का मुझे छेड़ेगा तो तुम क्या करोगे? मैं उस साड़े के पास जाऊंगा। फिर क्या करोगे? और उससे बोलूंगा भाई कोई ढंग की देख ले यार, यही मिली तुझे चप्पल जैसे मुंह की। मुझसे पैसे लेना ही भूल गई। इनसे पैसे लो। कोरोना वायरस का पता है ना? हाँ माजी पता है। हाँ तो तुम मुझसे दूर ही रहना उससे। ठीक है माजी। हाँ माजी आपको खाना भी इससे भेजू क्या? क्या? भाई साहब कल भंडारे में मेरी चप्पल किसने चोरी की थी उसकी फोटो निकालिए। अच्छा सुन रहे? जी सर। एक पेड़ में 5 आम है, उसमें से 6 सेब निकले तो कितना संतरा बचा? सर 6 हाथी। कैसे? यही सब आएगा एग्जाम में। साला 13 महीने से खाली फेल होते रहे हम, घर में गाली सुनना पड़ता है साला। भैया मुझे 2 रुपए दो ना। चल भाग नहीं मेरे पास। भैया दो ना फिर मैं आपको भाभी और दूध वाले की एक बात बताऊंगी। ये ले 10 का नोट जल्दी बता। दूध वाले ने भाभी से बोला था कि अगर तुमने इस महीने के पैसे नहीं दिए तो मैं तुझे दूध नहीं दूंगा। भाई साहब अब थाली कब बजेगी बताइए, मजा आता है यार बजाने में। अच्छा जानू चल ठीक है, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ यार, बहुत लेट हो रही है मेरे को। सुनो जी शाम को जल्दी घर आना, मैं मुर्गा बनाऊंगी। अबे यार ये साड़ी खाने की बात कर रही थी कि मेरी बात कर रही थी?
सुनो जी। हाँ जी बोलो, क्या बात है? एक बात बोलूं आप? हाँ हाँ बोलो। जब से हमारी शादी हो गई है ना, तब से आप बिल्कुल मुझे प्यार नहीं करते। अबे यार, मैंने तुझे पहले ही बताया था मुझे शादीशुदा औरतों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। पता नहीं लोग कैसे अपने पत्नी से डर जाते हैं। हम तो साफ साफ कह देते हैं कि रात के 12 बजे की थाली सुबह में साफ करेंगे। क्या हो गया? अरे मेरी चप्पल नहीं मिल रही है। यहाँ पे मैं एक घंटे से चप्पल ढूंढ रही हूँ और तुमको मजाक सूझ रहा है? बेबी चुप बोली ना। तुमने छुपाए थे? नो। अरे डॉक्टर, तुम यहाँ पे सो रहे हो और उधर मेरा पति मुझे रात भर सोने नहीं देता, दिन में बातें करते रहता है। अरे मैडम, तो फिर अपने पति को दिन में बोलने का मौका तो दीजिए। हाँ, वो नया घर का मुझे एड्रेस नहीं पता, जरा बता दे यार। अच्छा, एड्रेस बता दूँ? एड्रेस चल ठीक है। हाँ, यहाँ से बाहर निकलेगा ना? बाहर निकला तो तीन रोड आएंगे। हाँ, पहला छोड़िए, दूसरा छोड़िए, तीसरे पे जाइयो। आगे जाएगा ना तो तीन चौक आएंगे। पहला छोड़िए, दूसरा छोड़िए, तीसरे से मुड़ जाइयो। जब जाएगा ना उल्टे हाथ की तरफ, जब जाएगा ना तो तीन गलियां आएंगी। पहली छोड़िए, दूसरी छोड़िए, तीसरी के अंदर चला जाइयो। सामने देखेगा तीन बिल्डिंग आएगी। पहली छोड़िए, दूसरी छोड़िए, तीसरी के अंदर चला जाइयो। सामने तीन सीढ़ियां दिखेंगी। पहली छोड़िए, दूसरी छोड़िए, तीसरी पे चला जाइयो। सामने तीन दरवाजे नजर आएंगे। पहला छोड़िए, दूसरा छोड़िए, तीसरा दरवाजा खोल के अंदर चला जाइयो। सामने तीन अलमारियां नजर आएंगी। पहली छोड़िए, दूसरी छोड़िए, तीसरी अलमारी खोलियो, उसमें तीन एल्बम नजर आएंगी। पहली छोड़िए, दूसरी छोड़िए, तीसरी एल्बम निकालियो, उसमें तीन तस्वीरें नजर आएंगी। पहली छोड़िए, दूसरी छोड़िए, तीसरी तस्वीर देखियो, वो मेरी माँ की तस्वीर है और मुझे मेरी माँ की कसम, मुझे नहीं पता। Hi V-Mate friends. Hi guys, मैं हूँ भुवन। And I'm आशीष। आप सपना? तुझे पता है V-Mate अपने क्रिएटर्स को कितना दे रहे हैं? 100 करोड़। V-Mate अपने क्रिएटर्स के साथ शेयर कर रहा है पूरे 100 करोड़। तो क्या सोच रहे हो? Go and search V-Mate. V-Mate दे रहा है 2 लाख रुपए पर मंथ कमाने का मौका। बनिए V-Mate क्रिएटर, शेयर करिए 100 करोड़ रुपए। सर्च V-Mate, वीडियो शूट करो और पैसे कमाओ। तो देर किस बात की, वीडियो बनाइए, पैसा कमाइए। चले, हमें भी वीडियो बनाना है।